हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? हम शक्लों से हुई मुलाकात से लेकर हाई स्कूल में घटी पैरानॉर्मल एक्टिविटी तक, ये हैं आज की कुछ भूतिया वीडियोस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैपनीज गोस्ट हंटर्स का एक ग्रुप अयाची प्रीफेक्चर स्थित एक अबेंडेंड अपार्टमेंट ब्लॉक की खोजबीन कर रहे हैं। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक इस जगह के खंडर होने का कारण था लंबे बालों वाली किमोनो पहने एक महिला की आत्मा के देखे जाने की अफवाहें। इन्वेस्टिगेशन टीम पहले तो बिल्डिंग के चप्पे चप्पे को छानती है, लेकिन उन्हें कोई भी ऑड हैपनिंग होती हुई महसूस नहीं होती। हालांकि जैसे ही वे कुछ स्टैटिक कैमरा सेटअप करने के बाद वहां से बाहर निकलते हैं, तो एक नाइट विजन कैमरा इस चीज को कैप्चर कर लेता है। शुरू में एक ऑर्ब कमरे के अराउंड उड़ता हुआ नजर आता है और फिर किसी अनजान एंटिटी का साया ऊपर से अमर्ज होकर वापस छत में गायब हो जाता है। फुटेज देखकर काफी दर्शक डर गए और उनके मुताबिक शायद ये किसी चीज के लंबे बाल हैं, मोस्ट प्रोबेबली घर में मंडराने वाली किमोनो पहने घोस्ट के। पर आप उनकी इस बात से कितने सहमत हैं? भारत से आई इस अगली वीडियो का सोर्स तो अननोन है, बट डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जब एक व्यक्ति को अपने बेडरूम की खिड़की के बाहर ईरी आवाजें सुनाई देने लगी, तो वह उठकर अपने फोन से तुरंत रिकॉर्डिंग करने लगा, जिसके बाद ये अजीब आकृति उसके सामने जाहिर हो गई। विंडो पर उभरती एक हॉरिफाइंग अपैरिशन को देखकर रिकॉर्डर बुरी तरह डर गया और अपना कैमरा वहीं छोड़ घर की सारी एंट्रेंस बंद करने के लिए दौड़ पड़ा। दिखने में ये भयानक आकृति भले ही किसी इंसान जैसी लग रही हो, मगर इसकी मूवमेंट किसी भी तरह से ह्यूमनॉइड नहीं है। देर रात का समय था, दोस्तों का एक ग्रुप अपने स्कूल को विजिट करता है, लेकिन जल्द ही उन्हें अपने इस फैसले पर पछताना पड़ता है। कथाओं के मुताबिक जिस स्कूल में वे पढ़ते हैं वो हॉन्टेड है। कई स्टूडेंट्स मानते हैं कि अगर आप स्कूल के पीछे बने नर्स के ऑफिस के दरवाजे पर खटखटाते हैं, तो जवाब में आपको भी अंदर से किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई देगी। इस बात को महज एक मनगढ़ंत कहानी मानती हुई डेबी और उसकी कुछ दोस्त स्कूल के बैक साइड बने ऑफिस पर खटखटाती हैं, लेकिन इसका नतीजा उनके लिए इतना भयानक रहता है कि डर के आलम में उन्हें वहां से भागना पड़ता है। Knock on it, knock. No, go. Knock harder. Let them know. अचानक ही कहीं से खून जमा देने वाली चिल्लाहट सुनाई देती है और लड़कियां जान बचाने के लिए वहां से निकल जाती हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं कि आखिर ये स्क्रीम कहां से आई। व्यूअर्स ने अंदाजा लगाया कि शायद चीख या तो ऑफिस के अंदर से या उसी के अराउंड कैप्चर हुई, जिससे ये तो साबित हो जाता है कि हॉन्टेड ऑफिस की कहानियों में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर मौजूद है। जियोवानी लीमा और उनकी गर्लफ्रेंड लॉरा साओ पाउलो ब्राजील में एक शांतमय जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे टेरिफाइंग इवेंट्स घटित हुए जिसने उनके इस जीवन में उथल पुथल पैदा कर दी। एक रात कपल लिविंग रूम में सो रहे थे कि तभी जियोवानी की नींद किसी बेहद ही डिस्टर्बिंग आवाज से खुल गई। Oh my God.
जियोवानी की गर्लफ्रेंड लॉरा तो सोफे पर उनके बगल में सो रही है, लेकिन दूर गलियारे में ही कहीं से जियोवानी को एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो हूबहू लॉरा जैसी थी। एक और वीडियो में जियोवानी ने बताया कि इस हादसे के बाद वे काफी बीमार पड़ गए और अनफॉर्चुनेटली उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। अब जब वे अपनी यही कहानी बताते हुए फिल्मिंग कर रहे थे तो कुछ ऐसा हैपन होता है जिसे कि वे सिंपली खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। Muita gente tava pedindo explicações, então eu vim aqui trazer explicações agora. Eu gravei aquele vídeo ontem de madrugada, quando eu tava dormindo com a minha namorada na sala da casa dela inteiro. Eu comecei a passar mal, inexplicavelmente, no meio do rolê, no meio do dia eu comecei a passar mal, tive que ir pro hospital. Então eu também fiquei ausente por causa disso. E agora eu tô fazendo aqui as respostas, a resposta do que aconteceu realmente ali naquele lugar. E... E a porta do meu quarto acabou de abrir. जियोवानी के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया, मगर जैसे ही बाहर निकलकर उन्होंने एक नजर मारी तो वहां कोई भी नहीं था। तकरीबन एक हफ्ते बाद जियोवानी घर पर बिल्कुल अकेले थे कि तभी चीजों ने भयानक मोड़ ले लिया। एक बार फिर किसी महिला की आवाज़ जियोवानी को पुकारती है, इवन दो घर पर उस समय वे बिल्कुल अकेले थे। अचानक से उन्हें तेज कदमों का शोर अपनी तरफ दौड़ता हुआ सुनाई देता है और जियोवानी भागकर कमरे में दाखिल हो जाते हैं। जियोवानी को कोई ज्ञान नहीं कि आखिर क्यों और कैसे ये सब उनके साथ हो रहा है। हालांकि उनके कंसर्न व्यूअर्स मानते हैं कि शायद एक स्किन वॉकर या डॉपलगैंगर अपना रूप बदलकर उनकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रहा है। तो आपके हिसाब से यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कमेंट करके अपने विचार बताइएगा जरूर। रात के 3 बजे कैसेंड्रा नामक एक होम ओनर अपने बेहद ही घबराए 2 पिटबुल्स की आवाज सुनकर उठ गईं। बिस्तर से निकलकर उन्होंने जैसे ही बाहर नजर डाली तो उन्हें जल्द ही रियलाइज हो गया कि क्यों उनके डॉग्स इतने डरे हुए हैं। कैसेंड्रा का गार्डन गेट वॉयलेंटली अपने आप आगे पीछे मूव कर रहा था।
अब गेट का हिलना अपने आप में काफी शॉकिंग था, लेकिन सबसे खौफनाक चीज ये थी कि एक अनजान आकृति बस थोड़ी ही दूरी पर गार्डन के फेंस के बाहर खड़ी है। कैसेंड्रा दौड़कर एक ज्यादा तेज फ्लैशलाइट लेकर आती हैं, मगर उनके वापस आने पर वो रहस्यमय फिगर वहां से गायब हो जाती है। वे धीमी आवाज में हेलो बोलकर किसी को पुकारती हैं, लेकिन रिस्पांस में उन्हें एक जोरदार खटखटाहट अपने बगल में सुनाई दे जाती है। कैसेंड्रा ने बताया कि उन्होंने पुलिस को भी कॉल किया, मगर प्रॉपर्टी के अराउंड उन्हें कोई भी नहीं मिला। ये साया जिस किसी का भी था, हमेशा के लिए एक पहेली बन चुका है। टिकटॉक यूजर जे वैन गॉग कहते हैं कि एक रात उनकी मदर उनके भतीजे का ध्यान रख रही थी कि तभी लड़का कमरे से भागकर आया और कहने लगा कि एक बच्चा उसके साथ खेलना चाहता है। हालांकि जे वैन गॉग ने दावा किया कि उनका भतीजा ही उस रात घर पर एकमात्र बच्चा था। उन्होंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज को रिव्यू किया और इस डरावनी फाइंडिंग के बाद वे शॉक्ड रह गए। बच्चा कमरे से बाहर आता है और ऊपर किसी ऐसी चीज को देखकर चौंक जाता है जो हमें नजर नहीं आती। लाइट फ्लिकर करने के बाद लड़का वहां से दूर जाने लगता है, लेकिन अब कोई चीज उसके पीछे अपीयर हो जाती है। ये जो कुछ भी था, काले बाल और सफेद टी शर्ट की वजह से उसी के जैसा लग रहा है। फिगर फिर दोबारा कमरे में जाती है और लड़का अब फिर उसे फॉलो करने का फैसला करता है। कुछ मानते हैं कि ये अपारिशन एक डॉपलगैंगर है, यानी ऐसी डिमोनिक एंटिटी जो किसी का भी रूप इख्तियार कर सकती है। तो दोस्तों, अब समय हो गया है आज की बोनस क्लिप का, जिसमें एक कपल जब नाइट विजन कैमरे का इस्तेमाल कर जंगली पक्षियों की तलाश कर रहे थे तो उन्हें कोई वाइल्ड बर्ड तो नहीं मिला, लेकिन एक अजीब क्रीचर से मुलाकात जरूर हो गई। एक बिना धड़का चेहरा तेजी से फ्लोट करते हुए रिकॉर्डर पर हमला कर देता है, मगर क्योंकि वो कैमरामैन था तो आसानी से इस अटैक से बच गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पाकिस्तानी गोस्ट हंटर्स का सामना हुआ अपने ही हमशक्लों से, देखने के लिए राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करें। तो अब उम्मीद है आपसे जल्द ही होगी मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।